तो ठीक है आदाब। हम मेंस अगेंस्ट वॉयलेंस एंड अब्यूज मावा, जो भारत की पहली पुरुषों की संस्था है जो महिलाओं पर होने वाली हिंसा और गैर व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा रही है। आज हम मावा की तरफ से आपके सामने पेश करना चाहते हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका विषय है जेंडर बेंडर। क्या जेंडर बेंडर? तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने यह नाटक। अरे ये क्या, आते ही बॉल से खेलने लगी। चल छोड़, मेरे साथ रोटी बना। आज मेन्यू में क्या है मामा? अरे मेरा लाडला बेटा आ गया, तेरे लिए पराठे बना रहे हो, आजा खाने बैठ जा। हाँ जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, तब तक मैं खेल लेता हूँ। मामा मैं खेलूँ उसके साथ? बिल्कुल नहीं, चल मेरे साथ रोटी बना। बोर हो गया, रोज खेल सकते। देखो ना कितना प्यारा बॉल है ना, गोल मटोल सा क्यूट, इस पे कितनी सुंदर गुड़िया बन सकती है। अरे ये क्या लड़कियों जैसे काम कर रहा है, चल छोड़, तुझे फुटबॉल क्लास जाना है ना, चल जा। मुझे नहीं जाना। मामा मैं जाऊँ फुटबॉल क्लास? बिल्कुल नहीं, तू लड़की है, तू ऐसे काम नहीं कर सकती, चल छोड़। अजीब दास्ता है ये, क्या बात हो गए हम, दुनिया है कैसी, ना वो समझ सके ना हम। मुझे ना सिलाई का बड़ा शौक है, मैं सिलाई क्लास जाऊँ पापा? बेटा सिलाई क्लास जाएगा? नाना। लड़कियों वाले काम करेगा? नाना। लड़की सारी इज्जत डुबाएगा? नाना, नाना, नाना। मुझे फुटबॉल का बड़ा शौक है, क्या मैं फुटबॉल खेलने जाऊँ पापा? लड़की फुटबॉल खेलने जाएगी? नाना। लड़कियों लड़कों वाले काम करेगी? नाना। घर वालों के सारे पैसे डुबाएगी? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। कहते हैं खुदा ने इसे हमें सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो ना। दरअसल बात ऐसी है कि मैं हमारे बारे में अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ। क्या? जी बिल्कुल। तुम्हें लगता है वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? मुझे वो नहीं पता, लेकिन कब तक इस तरह चोरी छुपे मिलते रहेंगे हम? वो भी है यार। ए जरा हमें मजा लेने दे, मर्दों को आत्मा के दे। देखा, ये समाज हमें स्वीकारता नहीं है, गंदी नजर से देखता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप स्वीकार करेंगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पापा से इस बारे में जरूर बात करूंगा, वे जरूर कुछ करेंगे, बस तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। बाय, ध्यान रखना। हेलो शर्मा जी, हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ ही होगी, आप तैयारियां शुरू कीजिए। पापा। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ?
पापा दरअसल आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा। मैं शादी नहीं कर सकता पापा। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरा दोस्त है ओमकार, मैं उससे प्यार करता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं उससे प्यार करता हूँ पापा, और उसी के साथ रहूंगा मैं। अरे समाज में क्या लड़कियां मर गई है जो तुझे लड़के पसंद आने लगे? पता नहीं पापा, लेकिन मुझे उसके बिना किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। ये नामुमकिन है, अगले हफ्ते तेरी शादी है। पता नहीं पापा, मैं रहूंगा तो उसी के साथ, नहीं ना मैं नहीं रहूंगा पापा। ये नहीं बोला ना, समाज पे कलंक है तू। अरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगा तू। तुम जैसों से तो दूर रहना चाहिए। तुम जैसों से तो हमारी जगह चाहिए। दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अबे चलो। आखिर कब तक हमें समाज से धुतकाते रहोगे? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे अंदर इंसान वाले कोई भावना नहीं? बस फर्क इतना है ना हमें कि हमारे भाव आप लोगों से थोड़े से अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें समाज से इस तरह धुतकाता जाए। फिर आप ही लोग तो है ना जो कहते रहते प्रेम मंजे प्रेम मंजे प्रेम अस्ता तुम जानी हम सा सेम अस्ता तुम चाहनी आमचा सेम असता। ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे ले आओ दरवाजा बंद है। अरे भैया अरे भैया अरे भाई पानी डाल यार, बहुत बास मार, नाक का बाल जला दिया। अरे दो दिन से बैठ नहीं सका। क्या जोर की लगी है? अरे जल्दी निकाल। अरे डिप्लोमार ये दरवाजा तोड़ रहे। ए सलमान मुझको भी जाने देना। ए 50-50 चल निकल। ए रानी मुझको तो जाने दे। अरे बाहर भी तमाशे कर दो, इधर भी आ गए तमाशे करने। जाओ ना उधर उधर है ना, तू तो मेरी कटरीना है ना, तू तो जा। अरे वहां पे जा, वहां पे। ए तू यहाँ पर ही है, यहाँ पर सी है। आप ही लोग बताए हम कहाँ जाएंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है, ये समाज कब देगा? कृपया कोई बात ना करे क्योंकि अगला स्टेशन शिवाजी पार्क, अगला स्टेशन शिवाजी पार्क। हर्ष मिल गई। अगर तुला माहिती आहे का तो वर्माचा वर्माची मुलगी वो ला मोटी मोटी। अरे हाँ वही मोटी। अरे वो कैसे कपड़े पहनती है? स्लीवलेस बैकलेस सी। अरे वो तो कुछ नहीं, वो गुप्ता बताए गुप्ता। हाँ। अरे वो उसका बेटा तो पैर में ना पायल पहनते है, पायल। क्या बात कर रही? अरे वो तो कुछ नहीं, अपने पड़ोसी। अरे वर्मा। हाँ। अरे हाँ उसका लड़का तो लिविंग में है। लिविंग में? ए लिविंग मतलब क्या है? अरे वो ही शादी के पहले संबंध रखना। अरे जानो सुनो ना, सुनो तुम्हें बात। अरे क्या हुआ? अरे मेरा बाजू वाला ना अपने बेटे को घर से निकाल दिया। क्यों निकाला? अरे उनका बेटा के है। अरे ये क्या होता है? ये सब गंदी बातें नहीं करने का है। देखना ले। ए सलमान ये रुक रे। कुछ काम क्यों नहीं करती? काम की बात कर रहा है तू? मुझे देखा काम दो दे। स्पेशल केस होने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी है, इसीलिए मेरे क्लाइंट मिस्टर अली गे कम्युनिटी से और मिसेस रेशमा लेस्बियन कम्युनिटी से आपके सामने कुछ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी दुविधाएं रखने जाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट श्री 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 श्री
अलाना फलाना डिगाना यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत ही बड़े जाने माने स्वामी जी है, मेरे क्लाइंट। आशीर्वाद। कुछ कहना है जी जज साहब? मेरे क्लाइंट मिस्टर अली आपके सामने कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। आशीर्वाद। ये जो धारा 377 है उसके वजह से हमारी जिंदगी में हमको बहुत झेलना पड़ता है। ये समाज हमें गुनहगारों की नजरों से देखता है और हाँ, हम हमारे प्रियजनों के साथ घूम भी नहीं सकते। ये कहाँ का न्याय है जज साहब? जी जज साहब। मेरे क्लाइंट श्री 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 फलाना फलाना ठिकाना कुछ कहना चाहते हैं? आखिर क्यों ऐसे लोगों को हमारे समाज में नहीं रखा जाता? स्वामी जी आपकी क्या राय है? आशीर्वाद। प्रणाम। एंड आज ये जज साहब, ऐसे लोगों की वजह से पहले ही हमारा समाज बहुत गंदा हो गया है। ये तुच्छ प्राणी हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पुराणों में सिर्फ मर्द और औरत को ही साथ रहने का हक दिया गया है। ना मर्द मर्द के साथ रह सकता है, ना औरत औरत के साथ, और हम इस गंदगी को अपने समाज में रहने नहीं देंगे, फिर चाहे आप कुछ भी कर लें। अरे शर्मा जी जरा हिलना बंद कीजिए, टेबल हिल रहा है। अरे वो तो आदत। सारे गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि कोई बात ना करें, क्योंकि यह 2020, यह 2030, यह 2040, यह 2050। अबे टीवी लगाना प्लीज। अरे समाचार लाओ, नहीं तो समाचार करी। समाचार, आज के सूचना समाचार, दुनिया समाप्त होने वाली है। पर घबराने कोई बात नहीं है, सरकार ने इससे बचने के लिए एक स्पेसशिप का आयोजन किया है, लेकिन सिर्फ स्त्री और पुरुषों को जाने की इजाजत है। तो अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड लेकर जल्दी पहुंचिए। परेशान हुआ, यहाँ सिर्फ स्त्री और पुरुषों के लिए जगह है, तुम जैसों के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर तुझे जीना है तो तुझे ये उतारना होगा। अगर तुझे जीना है तो ये भी निकालना पड़ेगा। अगर तुझे जीना है तो तुझे ये भी निकालना पड़ेगा। अगर तुझे जीना है तो हमारे जैसा बोलना होगा।
अगर तुझे जीना है तो हमारे जैसा चलना होगा, अगर तुझे जीना है तो हमारे जैसा दिखना होगा। कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे। तो क्या हो गया कि अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते? समाज में ऐसे बहुत सारी स्त्री और पुरुष है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें जीने का हक नहीं? और एक बात तो बताएगा, क्या क्या गंदे की आती है हमें देखकर? क्या हमारे पैर उल्टे हैं? क्या हमारे बड़े बड़े सींग है? हमारे बड़े बड़े नाखून है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो फिर क्यों हमसे इतनी घृणा? हमारी चार ताली होती है ना, इसमें एक दर्द है, एक घुटन है जो इस समाज की देन है। मैं जितनी ना टोक के बोलती है ना, मैं मर्द है और ना मैं औरत, पर मुझमें दोनों की खूबी है, दोनों की खासियत है। और इसीलिए हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। तो आज इस नाटक के द्वारा हम आपको बताना चाहते थे कि कैसे हमारे समाज में कामों के आधार पर, खेलों के आधार पर, ये काम औरत का है, ये काम मर्द का है, उसके आधार पर इन्हें बांटा जाता है। हमारा मानना है कि काम काम होता है, काम को उसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है, ना कि कौन उसे करता है। जैसे कि अगर मर्द अपना मूल काम जो समाज के अनुसार कमाना है वो छोड़ के घर के घर में बच्चों की परवरिश करना चाहता है, हाउस हस्बैंड बनना चाहता है, या फिर वो मर्द जो अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त करता है, जल्दी रोता है, अगर ऐसे मर्द को ये समाज ना मर्द समझता है तो शायद ये समाज गलत है, शायद ये समाज गलत है। त्याचबरोबर आपल्याला लैंगिक आविष्कार म्हणजेच काही लोकांना भिन्नलिंगी व्यक्तीच्या प्रती, काही लोकांना समलिंगी लोकांच्या प्रती, तर काही लोकांना दोन्ही लिंगांच्या प्रती यौनिक आकर्षण असू शकतं आणि हे नैसर्गिक आहे। पण तरी आपण पुरुष प्रधानतेने जे बनवले आहेत फिक्स बॉक्स, म्हणजे स्त्री आणि स्त्रीच्या भूमिका, पुरुष आणि पुरुषांच्या भूमिका, ह्याच्यावर जगत असतो। आणि ह्याच्यावर हे होतं की जे अन्याय होतात, जे अत्याचार होतात, त्याच्यातून आमचं रोज मरण होतं। हे नाही व्हायचं असेल ना तर मानवतेच्या नजरेने बघा, आणि हो, त्यांच्यातल्या विविधतेला, त्यांच्यातल्या प्रेमाला, त्यांच्यातल्या भावनेला, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्यातल्या ओळखीला प्राधान्य द्या आणि त्यांचा सन्मान करा, त्यांचा आदर करा। दोस्तों, अगर हम एक शांततापूर्ण और सहअस्तित्वपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विविधता को आचरण में लाना होगा। लिंगाधारी भेदभेदों को मिटाने के लिए हमें समाज के स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर आदि की स्थिति को समझकर उनके लिए एक नया प्रगतिशील और सशक्त समाज का निर्माण करना होगा। सम्मान से निडर होकर बेखौफ और आजाद जिंदगी जीने का सभी को अधिकार है। अगर इन अधिकारों का किसी का भी उल्लंघन होते हुए दिखाई दे या तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए या तो उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, तभी खरे अर्थ में मानवीय समाज का विकास हो सकता है। घेतला होता
त्यामध्ये ह्या मुलांनी स्वतःहून सगळ्यांनी गाणी त्यांनी लिहिली आहेत, सगळी संहिता सगळं स्क्रिप्ट त्यांनी